हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और यदि आपको गाड़ी पंचर हो जाती है और आपको टायर खुलने में बड़ी परेशानी आती है, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं टायर कैसे खुलना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो जैक कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये फोर्ड कंपनी वाला जैक है और ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है। यदि आपको स्प्रिंग वाला मिलता है ट्विस्ट वाला तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लें आप इसको। ये कट का निशान लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको इस तरह से जैक लगाना है, क्योंकि गलत जगह पे जैक लगाने से गाड़ी का कोई भी पार्ट होता है वो खराब हो सकता है या मुड़ सकता है। और अभी हमें सिर्फ जैक इतना लगाना है कि जैक फंस जाए गाड़ी में, उठाना नहीं है। और सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, गाड़ी पंचर होती है तो ये आप कवर खोल लें। लेकिन जिन गाड़ियों में नट बाहर से लगे होते हैं इसके कवर के साथ में, उन गाड़ियों में दिक्कत जाती है, तो उस तरह के कवर ना लगवाएं। कभी नट स्लिप हो जाते तो कवर भी ख़राब होता है। तो सबसे पहले नंबर कवर इसको खोल लें। कवर खोलने का तरीका सिंपल ये है, आप इसको पकड़ के खींचें तो ये आपका इस तरह से निकल जाता है। कवर खोलने के बाद आप चारों नटों को पहले ढीला कर दें। जैक अभी चढ़ाना नहीं है, अभी आपका पहिया लगा हुआ है। हैंड ब्रेक मैंने डाल के रखा है, आप हैंड ब्रेक लगा दें। साथ में आप चाहें तो गियर भी डाल दें, फर्स्ट गियर लगा के रखें यदि अगला टायर है तो, जिससे टायर घूमेगा नहीं। तो सबसे पहले नंबर हमने जैक अभी चढ़ाया नहीं है, टायर को भी, टायर पे ही गाड़ी का वजन है। और हम पहले नटों को ढीला कर लेते हैं अच्छे से। अब इसने 3 मिनट काफी ढील कर ली, अब हम जैक चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि अब टायर पर वजन आएगा, नट खराब आना, नट आपके ढीले होने से टायर हिल सकता है, इसलिए अब आप जैक पे गाड़ी को ले लें पूरा। इतना लेना है कि टायर इस तरह से घूमने लगे आपका। अब बाकी के जो नट हमने छोड़ दिया था उसको भी हम खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे ढीला हो गया, इसको इस तरह से पकड़े रखना है थोड़ा सा नीचे की तरफ से, और आप इसको एक एक करके सारे नट को ओपन कर दीजिए। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि लेडीज हो या जेंट्स, यदि कार ड्राइविंग करते हैं और कभी भी रात बिरात आधी रात में दिन दोपहर ऐसी जगह दोस्तों गाड़ी पंचर होती है जहां आसपास दूर दूर तक मीलों तक कोई नहीं होता हेल्प के लिए, तो ये इतना तो सुधारना लोगों पे आना ही चाहिए। और साथ में आप अपने मैंने कार में एक ट्यूबलेस टायर गाड़ी का पंचर किट भी रखें, जिससे आप ऐसी जगह फंस गए जहां पंचर रिपेयर कराने के लिए आपको बंदे तो मिल गए लेकिन किट नहीं है, तो आप उस किट को अपनी गाड़ी में हमेशा रखें। कोई ज़्यादा महंगी किट नहीं है, 200 से 250 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए आराम से इस टायर को उतार लेते हैं, ये हमने आराम से उतार लिया, ये टायर अपना बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा टायर खुलना कैसे। अब लगाने के लिए जैक को उसी पोजीशन में रख दें, और यदि आपका टायर पंचर होता रहा तो जैक की साइज को थोड़ा सा और हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट बढ़ाने के बाद आप इस तरह से इस टायर धीरे धीरे आराम से ले जाएं अंदर की तरफ, और इन नटों को मैच कराते हुए आप चाहें तो इसका सहारा ले सकते हैं उठाने के लिए इस तरह से। इसमें चाहें तो कोई दूसरा टूल्स वगैरह ऐसा कुछ फंसा दें थोड़ी देर के लिए, तो आपका टायर एकदम निकलेगा नहीं बार बार। और एक एक करके आराम से सारे नट टायर पर चढ़ा दें, जिससे चूड़ी गलत तरीके से नहीं चढ़ना चाहिए, ये फ्री जाना चाहिए बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल फ्री जाना चाहिए। काफ़ी हद तक मैंने लगा दी है। अब इसके बाद एक एक नट को आप आराम से इसको टाइट करते जाएं, और पूरा एक पहला नट पूरा टाइट नहीं करना है, इस तरह से सभी नटों को बराबर बराबर करते चले जाएं। इससे हमने इसको लिया, इसके सामने वाला जो दूसरा नट ले लें आप, उतना जितना इसको कसा उतना ही। अब इसको इसके बाद तीसरा नट कर लें आप, इसके बाद इसके सामने चौथा जो नट है लास्ट का वो भी आप बराबर करना है।
करो। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपने करके सारे नटों को थोड़ा थोड़ा कस दिया है हल्का हल्का करके, और अभी हम इसको पूरा फुल टाइट नहीं कर रहे हैं। और फुल टाइट करने के पहले इस तरह से एक नॉर्मल आपका जो हाथ आराम से मूव कर जाए उतना कस दीजिए, और जैक को थोड़ा सा उतारिए जिससे टायर जमीन से टच हो जाए और गाड़ी का वजह हल्का सा टायर पे जाए, घूमना बंद हो जाए जिससे टायर। इतना मैंने अभी जैक से गाड़ी को उतारा कि गाड़ी का टायर हिलना बंद हो जाए। अब हम इसको आसानी से अच्छे से तरीके से कस सकते हैं टाइट करके। तो टाइट कर देते हैं टायरों को। तो दोस्तों आपने देखा टायर कितने आसानी से हमने रिप्लेस किया, चेंज किया, इसको पंचर सुधारना अभी। और यदि आपको पंचर सुधारना नहीं आता है, टायर में हवा किस मशीन से बननी चाहिए, इन सभी की वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उनको जरूर एक बार वॉचआउट करें। और अब इसको लगाना कैसे, तो यहाँ एक कट का निशान रहता है दोस्तों, इस कट के निशान को यहाँ नोजल से मिला देंगे और इस तरह से नोजल से आपको मिला देना, उस तरह से पो देना है इसको, बस सिंपल। ये आपका लग गया, इस तरह से लग गया। और दोस्तों अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों के संग, रेडे फ्रेंड इस तरह सबके संग इस वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि आप टिकटॉक वीडियो जैसे में समय बर्बाद नहीं करते, आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपनी उन बहनों के संग, उन हाउस वाइफ के संग जो गाड़ी चलाती हैं, कभी कभार उनको प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी समस्याएं जाती हैं, तो इस तरह के वीडियोस उनको देख के उनको अपना काम खुद करती हुआ आना चाहिए, क्योंकि सभी जगह हो सकता है हेल्प ना मिले तो वो अपना खुद टायर रिप्लेस कर सकती हैं, पंचर सुधार सकती हैं, हवा भर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, और कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।